दृष्टि आई के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा ऑडियो आर्टिकल द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर ग्राम समृद्धि योजना न्यू स्कीम टू हेल्प अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और द हिंदू में प्रकाशित खबर कंसर्टेड अप्रोच नेसेसरी फॉर डबलिंग फार्मर इनकम के सम्मिलित सारांश पर आधारित है इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र तीन के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र संभावनाएं और चुनौतियां हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद खेती किसानी ही मानी जाती है आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार देश की उनचास फीसदी आबादी रोजगार के लिए खेती और उससे जुड़े कामों पर ही निर्भर है इससे देश की बड़ी आबादी की खाद्य सुरक्षा ही नहीं बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल निर्यात और रोजगार भी जुड़ा हुआ है लेकिन पिछले छह दशकों में खेती और किसानों की हालत साल दर साल खराब होती गई है उनकी लागत तो बढ़ती रही है पर आमदनी या तो लागत से कम हुई या फिर लागत के बराबर नतीजतन कमजोर होती कृषि अर्थव्यवस्था के चलते देश भर में किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं और किसान आंदोलनों की खबरें आती रही हैं इन समस्याओं के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उम्मीद की एक किरण की तरह उभरा है जिससे खेती फायदे का सौदा बन सकती है इसके लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए कोशिशें कर रही है इन कोशिशों के तहत अभी हाल ही में त्रिपुरा में सत्रवे मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया वहीं बीते दिनों आंध्र प्रदेश में देश के पहले एक्वा मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में सरकार जल्द ही असंगठित क्षेत्र के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए ग्राम समृद्धि योजना लाने की तैयारी में है इन पहलों के पीछे सरकार की मंशा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की संभावनाओं को भुनाने और किसानों की आमदनी दुगनी करने की है ऐसे में सवाल है कि क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों की आय में बढ़ोतरी कर उनकी समस्याओं को हल कर सकेगा क्या इसके लिए नीतिगत पहलुओं में कोई तब्दीली लाने की जरूरत भी है साथ ही सवाल यह भी है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए किसानी तौर तरीकों में किन सुधारों की जरूरत है आइए चर्चा करते हैं आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है खाद्य प्रसंस्करण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कृषि उत्पादों विशेषकर वे उत्पाद जो जल्दी ही खराब हो जाते हैं उन्हें पीस कर, पका कर या अन्य किसी विधि से ऐसे खाद्य पदार्थ के रूप में बदला जाता है जिससे कि उनका लंबे समय तक इस्तेमाल हो सके उदाहरण के लिए आम का प्रसंस्करण किया जाए तो उससे जैम जेली जूस शेक कैंडी जैसे उत्पाद बनाए जा सकते हैं जाहिर है आम का प्रसंस्करण किए जाने से बने नए उत्पाद की कीमत भी ज्यादा होगी और वह जल्दी खराब भी नहीं होगा इस रूप में खाद्य प्रसंस्करण का सीधा मतलब है कि खाद्य पदार्थों की बचत ऐसी औद्योगिक गतिविधियां जिसमें कच्चे यानी प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहा जाता है मूल्यवर्धन से मतलब इनको ऐसा रूप देने से है ताकि ये टिकाऊ बन सके डेयरी प्रोडक्ट पैकेटबंद भोजन पेय पदार्थ ऐसे ही उदाहरण है भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फल सब्जियाँ मसाले मांस और पोल्ट्री दूध और दूध उत्पाद शराब मत्स्य उद्योग अनाज प्रसंस्करण उपभोक्ता उत्पाद जैसे मिठाई चॉकलेट कोको उत्पाद सोया आधारित उत्पाद मिनरल वाटर हाई प्रोटीन फूड शामिल हैं यह उद्योग प्रत्यक्ष तौर पर कृषि के साथ जुड़ा है साथ ही कृषि उत्पादों के मामले में हमारे देश में भरपूर विविधता है भारत में कश्मीर के मेवे हिमाचल प्रदेश के सेब दक्षिण भारत के मसाले नारियल और चाय कॉफी बिहार की लीची मखाने छत्तीसगढ़ की इमली चिरौंजी और पूर्वोत्तर के फल जैसे अलग अलग तरह के कृषि उत्पाद मिलते हैं प्रसंस्करण के बाद ये उत्पाद स्थानीय किसानों की आमदनी के इजाफे के रूप में अहम साबित हो सकते हैं आप समझते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो कई मायनों में अहम बन गया है कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से किसान न केवल बेहतर कमाई कर सकते हैं बल्कि इससे मौसमी बेरोजगारी की समस्या भी हल हो सकती है कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कृषि उपज का एक बड़ा हिस्सा मंडियों में पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है दूध सब्जियों और फलों जैसी जल्द खराब होने वाली चीजों के मामले में यह नुकसान खास तौर पर बहुत ज्यादा है अगर इन वस्तुओं का समय से प्रसंस्करण किया जाए तो इस नुकसान से बचा जा सकता है वहीं भारत खाद्य पदार्थों को बर्बाद करने के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों की जमात में शामिल है जबकि अभी भी बहुत बड़ी आबादी को दोनों समय भरपेट भोजन मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती है भुखमरी और कुपोषण के मामले में गंभीर स्थिति बनी हुई है इन हालातों की तस्दीक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति से सहज ही हो जाती है ऐसे में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए इस क्षेत्र की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के लिए कृषि क्षेत्र के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण भी बेहद महत्वपूर्ण है कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी के बावजूद खाद्य सुरक्षा और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती महंगाई नीति नियंताओं के लिए एक चिंता का विषय है जिसका समाधान भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से ही संभव है इसके अलावा यह क्षेत्र ग्रामीण आजीविका के अवसरों और रोजगार में असरदार ढंग से सुधार लाकर गांव और शहर के बीच की खाई को पाट सकता है इससे रोजगार तो पैदा होंगे ही साथ ही पलायन की समस्या से भी निपटा जा सकेगा देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और खाद्य पदार्थों के आयात में कमी लाने के लिए भी यह सेक्टर अहम हो जाता है अब जानते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं भारत में कृषि अनुकूल जलवायु और अच्छे उत्पादन की वजह से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए ज्यादा संभावनाएं मौजूद हैं लेकिन फिर भी इस क्षेत्र की संभावनाओं का भरपूर दोहन नहीं किया जा सका है नारियल केला दूध काजू अदरक हल्दी काली मिर्च गेहूँ चावल चीनी कपास फल सब्जी जैसी कई फसलों के उत्पादन में भारत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है लेकिन विडंबना है कि इनसे जुड़े प्रोसेस्ड फूड भी भारत में बड़ी तादाद में विदेशों से आयात किए जाते हैं हाल के दशकों में भारत में लोगों की तेजी से बदलती लाइफ ने लोगों के खान पान में बदलाव किया है इसके चलते खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की मांग में लगातार बढ़ोतरी हुई है लिहाजा इंस्टेंट फूड प्रोसेस्ड फूड रेडी टू ईट पैक्ड फूड का इस्तेमाल लोगों की आदत में शुमार हो गया है इसी बदलाव का नतीजा है कि वैश्विक स्तर पर ही नहीं बल्कि भारत में भी प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री का कारोबार लगातार तेजी से बढ़ रहा है इसलिए इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कारोबारी निवेश की संभावनाएं मौजूद हैं यह रोजगार पैदा करने वाला संभावनाशील क्षेत्र है विशेष तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करके महिलाओं के लिए सूक्ष्म उद्यमियों के रूप में उभरने की व्यापक संभावनाएं हैं इस रूप में यह क्षेत्र समावेशी विकास को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित हो सकता है यह क्षेत्र विभिन्न जरूरी सूचनाओं के जरिए किसानों की मदद कर सकता है और खेती करने के बेहतर तरीके भी बता सकता है ताकि उद्योगों को उच्च गुणवत्ता और कच्चा माल सुलभ हो और किसानों को भी उनकी उपज की वाजिब कीमत मिल सके इसमें फसल कटाई के बाद की सुविधाएं लॉजिस्टिक्स कोल्ड स्टोरेज चेन और विनिर्माण से लेकर बाजार तक पहुंचने की आपूर्ति श्रृंखला में विकास और सुधार की असीम संभावनाएं हैं आपूर्ति श्रृंखला यानी किसान के खेत से उत्पाद लिए जाने से लेकर खुदरा व्यापारी की दुकान तक की सप्लाई चेन में सुधार आने से देश के गाँव की तस्वीर बदल सकती है ऐसे में सवाल है कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए बयालीस मेगा फूड पार्कों को मंजूरी दी है इनमें से कुछ निर्माणाधीन है तो कुछ ने काम करना शुरू कर दिया है इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण के लिए चल रही पहले की योजनाओं को मिलाकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की गई है इस योजना के तहत मेगा फूड पार्क कोल्ड चेन खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन या विस्तार कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का सृजन खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना मानव संसाधन व संस्थान योजनाएं चलाई जा रही हैं इसका मकसद देश में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के लिए आधारभूत संरचना मुहैया कराना डेयरी मत्स्यन कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना है राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड और राष्ट्रीय शीत श्रृंखला ग्रिड का निर्माण किया जा रहा है साथ ही देश भर में खुदरा बाजार तैयार किए जाने की कोशिश की जा रही है टी यानी टोमेटो ओनियन पटेटो जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों की कीमतों को अनिश्चितता से बचाने के लिए बजट 2018-19 में ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई है अब सवाल है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जरूरी बुनियादी अवसंरचना की कमी होना है शीत श्रृंखला और प्रसंस्करण इकाइयों में बुनियादी ढांचे के अंतराल से कृषि उपज का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है भारत में न तो राष्ट्रीय राजमार्गों और न ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत है कि देश के हर हिस्से में मौजूद किसान को स्टोर मालिकों से जोड़ा जा सके इसके अलावा उत्पादन की तुलना में देश में कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसों की संख्या और क्षमता भी पर्याप्त नहीं है इसके अलावा वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्रीय कानूनों और राज्य स्तरीय अलग अलग कानूनों के हिसाब से चल रहा है जिससे कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा होती है इससे बचने के लिए एक निश्चित प्राधिकरण या संगठन बनाना जरूरी है हमारे देश में पश्चिमी देशों की तरह खाद्य पदार्थों की जांच के लिए न ही आधुनिक तकनीक वाली प्रयोगशालाएं हैं और ना ही यहाँ मौजूद जांच मानकों में एक रूपता है साथ ही इस क्षेत्र में जरूरी रिसर्च की बेहद कमी नजर आती है इसके लिए शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ साथ मॉडर्न प्रयोगशालाएं बनाने की जरूरत है फ्रूट प्रोसेसिंग का ग्लोबल हब बनने की राह में भारत के सामने कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं मसलन इस क्षेत्र में काम कर रही बड़ी कंपनियां तो नियम कायदों का पालन करती हैं और उनके उत्पाद भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं लेकिन यही उत्पाद जब असंगठित क्षेत्र के उद्योगों द्वारा बनाए जाते हैं तो वे गुणवत्ता मानकों का पालन करते ही नहीं दिखते इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरने वाले उत्पादों को वरीयता देनी होगी साथ ही निगरानी और नियामकीय व्यवस्थाओं का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है एक पहलू यह भी है कि इस क्षेत्र में ग्रामीण व कुटीर उद्योगों और असंगठित क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की अनदेखी हुई है इसके लिए एकीकृत मॉडल बनाते हुए छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ने की जरूरत है आखिर क्या हो आगे की राह केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा है इसके लिए सरकार कृषि के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा दे रही है अगर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास किया जाए तो पश्चिमी देशों की तरह भारत में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक रोजगार उत्पन्न करने वाले किसानों की आय में बढ़ोतरी करने वाले उपभोक्ताओं को जरूरत के उत्पाद समय पर मुहैया कराने वाले और देश की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने वाले महत्वपूर्ण सेक्टर के रूप में उभर सकेगा यह क्षेत्र न केवल कृषि क्षेत्र के विकास में मददगार होगा बल्कि पोषण की दृष्टि से भी फायदेमंद साबित होगा लेकिन फिलहाल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बटा हुआ है और ज्यादातर हितधारक छोटे और असंगठित हैं इसके लिए वित्तीय और तकनीकी मदद उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देना होगा देश में आपूर्ति श्रृंखला में सुधार बुनियादी अवसंरचना का विकास कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस क्षमता बढ़ाने की जरूरत है किसानों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करना होगा इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किए जाने के विकल्प पर भी ध्यान दिया जा सकता है उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपजाने के साथ साथ फसलों में विविधता लाने को बढ़ावा देने की जरूरत है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाने पर ध्यान देना होगा इसके अलावा छोटे छोटे किसानों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जोड़ते हुए ई नाम जैसे संस्थागत कृषि बाजारों को बढ़ावा देने की जरूरत है साथ ही निवेश को बढ़ावा देने के लिए कारोबारी सुगमता और सुविधाएं मुहैया कराए जाने पर भी ध्यान देना होगा आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की चर्चा कीजिए इस क्षेत्र की चुनौतियों और उनके समाधान की रूपरेखा भी बताइए